नमस्कार। देखिए, रोज़ाना तो हमारी और आपकी बातचीत होती रहती है, देश विदेश के मसलों पे, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके मसलों पे। कई बार हम बाहर भी चले जाते हैं, और सबसे मेन बात क्या है, हमारी के जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, यूज़र्स हैं, वो बहुत सारे अमेरिका में हैं। तो वहाँ से ख़ास तौर से मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेम्बर हैं, के साहब आप थोड़ा सा हम लोगों के बारे में भी बात किया कीजिए, और कभी कभी हमें भी अपने चैनल में आने का मौका दीजिए। ऐसे ही एक हमारे मित्र बन चुके हैं अब तो, और शुरुआत हुई थी हमारे वीडियो को देखने से और उनकी फैन फॉलोइंग से, मिस्टर अनिल डैंक। नमस्कार अनिल जी। थैंक यू वेरी मच। न्यूयॉर्क में रहते हैं 30 साल से, और जॉब से वहाँ एक शुरुआत की, सिटी बैंक में जॉब किया, और आज एक अच्छा खासा कारोबार वहाँ पर कर रहे हैं। जब भी इंडिया में आते हैं मुझसे मिलने के लिए जरूर आते हैं, पिछले 2 साल से सिलसिला लगातार चल रहा है। इस बार हमारे स्टूडियो में आए तो हमने कहा कि आज बातचीत जरूर होगी, और एक बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी, और उसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं वो भारत के, आज के भारत को किस तरीके से देखते हैं, और क्या उनके सजेशंस हैं, क्या उनके सुझाव हैं कि वो अपने देश को ग्रो करने में, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या करना चाहते हैं। तो अनिल जी स्वागत है। पहले तो अनिल जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं। हाँ। और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए, व्यूवर्स को ये बताइए कि आपका वहाँ जाने का क्या मकसद रहा, कब गए आप, और थोड़ा सा नटशेल में बताइए। सो एक्चुअली मैं गया था लेट 80s में, एंड एजुकेशन के लिए, एमबीए करने के लिए। एंड एमबीए करने के बाद एक्चुअली मेरे को सिटी बैंक में इंटर्नशिप मिल गई। फिर सिटी बैंक में एक थे मंजीत सिंह जी, उन्होंने बोला आप हमारे साथ काम करने के लिए आओ फिलाडेल्फिया में। सो वहाँ बैंक में रख लिया, फिर वहीं से शुरू हुए बैंक, और फिर एक और बैंक, फिर सिटी बैंक, फिर चले गए। फिर अर्ली 2000 एक्वेट सिटी बैंक, मैंने कहा अपना काम करने का, वो तो इंडियन माइंडसेट है, बिजनेस करने का तो माइंड होता ही है। उसके बाद यानी 10 साल के बाद आपने 15 साल के बाद या सो देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, फिर एक और कंपनी, फिर एक और कंपनी, अभी जो चल रही है कंपनी वो शुरू की 2017-16 में, और उसके बाद और कई कंपनियाँ चल रही हैं, छोटी मोटी काम हो रहे हैं इधर उधर। बस यू नो रिस्पेक्टेबल है, इट्स वेरी व्हाट आई से सेटिस्फाइंग इन लॉट ऑफ वेज। अमेरिका हैज़ गॉट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ अब तो बहुत हैं। जब हम गए थे 80s में तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, यहाँ पर तो लाइसेंस राज था 88 में, तो जब हम गए थे काम ही नहीं होता था, कुछ भी काम करना तो मिनिस्टर के पास जाओ, और जो लाइसेंस हर चीज़ में चाहिए। तो वो तो कंट्री तो होल्ड बैक हो रही थी, तभी तो लोग भाग रहे थे यहाँ से। तो अब तो शायद सिस्टम डिफरेंट हो गया। आई थिंक इफ आई हैड टू थिंक टुडे, इफ आई हैड अपॉर्चुनिटी, मैं तो इंडिया में ही रहूँ। यू नो एक्चुअली कंट्री इज गॉट लॉट मोर अपॉर्चुनिटी देन अमेरिका, इंडिया व्हेन यू थिंक अबाउट इट। बट अब गए अमेरिका, यू नो इट्स वेरी हार्ड टू कम बैक, यू नो यू सेटल, योर थिंग्स आर सेट अप, योर माइंड सेट इज डिफरेंट। आएंगे बट यू नो टू अपरूट कम्प्लीटली इज वेरी हार्ड। नहीं तो आपने बहुत छोटे में बताया, थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी के बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, एक इंडियन जाता है वहाँ सक्सेस होता है और वो कैसे कैसे करता है, थोड़ा सा आपका जो 2000 के बाद का जो आपका टेन्योर है, आपका जो कैरियर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने किस तरह की कंपनी बनाई, किस तरह का आपका एस्टेब्लिशमेंट था। सो राइट, आई वॉज इन फाइनेंशियल कंसल्टिंग, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बैंकिंग है, मोस्टली मनी बैंकिंग, क्रेडिट मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, that is my primary background. So a lot of consulting we did, and 2016 we created a new company, Soltas Capital, and a bunch of my partners. So we started in consulting. 2019 mein actually we made a decision that consulting is great, but we rather own the business and start telling people how to run it. Khud bhi business karein. So we started, we acquired some real estate. We are actually investing in companies. In fact, one company I made an investment just last week. Actually taking control of the company in a good way, you know, it's not like, you know, control means, you know, just take over. We are actually trying to benefit all the existing shareholders, making sure they make a lot of money. So it's not about selfish motive, it's to motive to make everybody, aap bhi kamao, hum bhi kamao. Hum bhi kamao, right? Employees should be happy, customers should be happy, you know, this whole business is all about that.
You know, you don't like just say, let me. You have to think about everybody all around, society, product, innovation, employees, partners, shareholders. You have to have a balanced perspective for everybody. And that's how you succeed in business. अच्छा, आपने जो बताया कि शुरुआत में कि अगर आज के दौर में आप यहाँ होते, आपने बताया था कि आप 19-20 साल की उम्र में जब आपने यहाँ से जाने का फैसला किया, वो दौर और था उस तरह से, जिसे कहते हैं कि आज के दौर के, आज शुद्ध हिंदी में कहूँ तो प्रतिभा पलायन कहते हैं उस दौर को, राइट, जिस दौर में यहाँ की जो टैलेंट थी वो बाहर की तरफ भाग रही थी क्योंकि वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, और आज सत्य नडेला और सब इतने सुंदर पिचे, वो सब उसी समय के दौर है ना, 80s 90s के दौर में गए और वो सक्सेसफुल रहे, राइट। और आपने अभी खुद ही ये भी कहा कि अगर आज के दौर की बात होती तो शायद आप नहीं जाते, आज इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर टोटली, तो क्या किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से, मैं मानू कि यहाँ पर है? आई थिंक यू नो मेन चीज क्या हुआ है कि पहले जो 80s में जो 90s में जॉब होते थे इंडिया में, वो सिर्फ होते थे कि हाँ ये जानता है उसको, ये उसको जानता है, उसका सोर्स सिफारिश। आज इंडिया में कंपटीशन इतना ज्यादा है हर बिजनेस में, एक एक चीज में इतनी कंपेटिटिव इकोनॉमी है, यू हैव टू फाइंड द बेस्ट टैलेंट। सोर्स सिफारिश से कुछ काम नहीं चलेगा, आज गवर्नमेंट कंपनीज में भी सोर्स सिफारिश नहीं चलती क्योंकि वो भी कंपटीशन में है, ग्लोबली कंपटीशन है, इंटरनली कंपटीशन है, एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है। सोर्स सिफारिश से भर्ती करेंगे तो वो टैलेंट नहीं आ पाएगा, टैलेंट नहीं मिलता सोर्स सिफारिश से, टैलेंट इज फंजिबल ग्लोबली, वो स्विट्जरलैंड भी जा सकता है, अमेरिका भी जा सकता है, जापान भी जा सकता है, इंडिया में भी आ सकता है। सो इफ यू आर कंपीटिंग इन अ ग्लोबल मार्केट यू हैव टू गेट द बेस्ट पीपल, सो अपॉर्चुनिटी यहाँ टैलेंट के लिए बहुत हो गई है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक इंडिया में देर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ मिडिल लेवल मैनेजरियल टैलेंट एंड सीनियर लेवल मैनेजरियल टैलेंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल एट द लोअर लेवल इजीली अवेलेबल, बट द मिडिल लेवल एंड सीनियर लेवल टैलेंट इज वेरी शॉर्ट सप्लाई, बिकॉज द इकॉनमी इज ग्रोइंग सो फास्ट दैट पीपल आर नॉट कम अप फ्रॉम द बॉटम टू गो टू द सीनियर लेवल येट। So in fact, it's a great country right now. It will take time, right? Mm-hmm. It's a maturity level. Managerial talent is not overnight. हाँ, वो क्योंकि वो जो पहले के दौर में वहाँ चले गए वो तो सीनियर पोस्ट पे सब जगह पहुंच गए, right. लेकिन यहाँ पे अभी शुरुआत से एंट्री लेवल से कर रहे हैं, तो कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं इंडिया में जो ग्रो कर रही हैं आजकल, बड़ा बढ़िया बिजनेस कर रही हैं कि उनमें सीनियर पोस्ट पे जो है फॉरनर्स होते हैं, वो चाइनीज हैं या दूसरी करने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टैलेंट की शॉर्टेज बहुत हो गई है। क्योंकि क्या है कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग सो फास्ट कि टैलेंट इज नॉट ग्रोइंग एज क्विकली, क्योंकि इट टेक्स, इट्स अ टाइम इशू, यू कैन नॉट ग्रो अ 25 ईयर ओल्ड पर्सन, आई मीन यू पोटेंशियली कुड बिकम अ सीईओ ऑफ $100 billion कंपनी, इट इज जस्ट नॉट मैच्योरली वेल पॉसिबल, सो इट्स, इट टेक्स अ टाइम। और यहाँ पर कंपनीज आर सो मेनी आर ग्रोइंग इन सो मेनी डायरेक्शंस दैट इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ टैलेंट राइट नाउ इन इंडिया। तो मतलब ये माने कि अभी जो लोग यहाँ से प्लान करते हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है कि भाई मुझे अमेरिका जाना है या यूरोप जाना है, कहीं भी जाना है, तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए, कोशिश करें कि इंडिया में अपने आप को सेटल करें, या क्या क्या सजेस्ट करेंगे? मेरी सजेशन ये है कि एक्चुअली देयर इज अ बिग ग्लॉट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, सो इफ यू गो फ्रॉम हियर बिकॉज ऑफ द ग्लॉट ऑफ टैलेंट एट द टॉप लेवल यू हैव वेरी हार्ड टाइम ग्रोइंग। यहाँ पर ग्लट नहीं है, यहाँ पर बहुत शॉर्टेज है। So if you are a mature, good individual, you got good skill set, good capabilities, you will actually grow very fast in India. And actually a senior level manager in India will do far better than senior level manager in America. I mean, you know, if you make $500,000 in New York City, believe me, you're basically middle class. You really don't have that much money. But you make even half of the money in India, you're living like an absolute king. Why would you switch? And you're better, the culture is similar, your family's all here, why would you want to go? I mean, the time when I went was different, you know, and I wish sometime I didn't go, but I'm there, so it's okay, you know, it is what it is. तो क्या मैं इसका आपका एक suggestion ये भी मानूं कि अगर कोई इंडियन सीनियर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बढ़िया हैं? Yes and no, little bit, क्योंकि यहाँ इंडिया में एक स्पेशल इश्यूज बहुत हैं कल्चरली, कि जो वर्क कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट देन अमेरिका। लाइक अमेरिका में हम मीटिंग शुरू करते हैं 9 बजे, सो देर नो बडी विल बी देयर एट 9:01, विल ऑल बी देयर एट 8:59।
यहाँ वर्क कल्चर है 9 बजे मीटिंग शुरू होगी, 9:30 बजे लोग आ रहे हैं लोग। नहीं अब तो बदला है, आ रहा है पर इससे जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने तो बदल दिया, वहाँ तो टाइमिंग है। हाँ आई एम गिविंग एग्जांपल, देयर आर अदर एग्जांपल्स एंड स्लाइट डिफरेंस फ्रॉम अमेरिका इज शॉक व्हेन यू कम हियर फ्रॉम देयर, हियर आल्सो देयर इज शॉक इज बोथ वेज। So when you're used to American work culture, it's slightly harder. It's not impossible. Mm-hmm. I'm not saying like nobody can come, but it's, you have to be prepared for a slightly cultural business cultural shift to come to India. But I, as I said, India is a fantastic opportunity. Look at the Air India CEO. He's a foreigner. I forget the name and which country he's from, but I think he's European. I think he's European. And Air India is the probably the most single most airline which has the largest opportunity in the whole planet today, by far. You know, America has got 8,000 planes flying. India barely has like 1,000. You see the growth that is possible. So why would you not come? I mean, just as an example. So India is just unbelievable growth. Aviation is growing 20% a year. Nowhere in the world 20% growth is even possible. India is growing 20% a year. Same thing in hotel industry, same thing in any place you look, is growing 15, 10, 15, 20% a year. When you see 8% economic growth, that includes a lot of the sector which have no growth. So the sectors that are growing double digit, 15, 20%. Indian companies ko kya karna chahiye? I think the biggest thing Indian companies should do is they really have to stop thinking of India as your only market and only source of talent and only source of everything. Think beyond India. Think way beyond India. Every American company that is starting is always thinking global immediately. Like we have a company that I just said 1 week ago we are working to strategically be involved in. We're talking about Australia, we're talking about UK, talking about Switzerland, and the company is not even in one state right now. Just think, one state in America, and we're already thinking global. We're going to go in all the countries. We're going to come to India, we're going to come to all Singapore, Middle East. So that global perspective is basically born in America. It's always there. Here, I don't think many companies think that. They're saying India is a big market, let's just stay here. But actually what happens is if you go to global thinking, say, look, India is my home market, that's great, but my whole world is my market. You start thinking Australia, you start thinking UK, or start thinking Middle East, start thinking. No, I'm not saying more companies are not thinking. Like there are companies all over the world right now. Indian companies are everywhere. आपके कहने का मतलब ये कि जो इंडियन कंपनी है उनका थॉट प्रोसेस ये है कि पहले इंडिया की मार्केट कैप्चर कर लो उसके बाद बाहर की सोचेंगे, जबकि बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी हैं। नो एक्चुअली यू लर्न फ्रॉम अब्रॉड, यू लर्न सम आइडियाज फ्रॉम अब्रॉड, लाइक यू लेट्स से यू गो इन सम यूरोपियन कंट्री और मिडिल ईस्ट, ऑल ऑफ अ सडन यू लर्न अनदर कंपेटिटिव स्किल और लेवल एंड सम टैलेंट यू विल एक्वायर, ऑल ऑफ अ सडन हेल्प यू इन इंडिया आल्सो। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया एंड गो देयर, यू कैन ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट गोज बोथ वेज। There are a lot of skills and opportunities that are present in Europe and North America that you cannot understand unless you go there. So you have to, when you're an Indian company, you immediately have to think, how can I be a global company? You start thinking that way today. Go to Japan, go to all the developing markets. Go wherever the opportunities are. China, by the way, 2 years ago, was not even a car exporter. Today is the largest car exporter in the world in 2 years. They said, hey, we're going to capture the world market. They captured it. You go to Mediterranean, you go to Caribbean, Latin America, Middle East, Chinese cars are everywhere. Chinese car India mein to bikti nahi hai. Yahan to ban hai na import mein. Nahi to yahan pe to koi aisa product aisa nahi aaya. Chinese yahan pe two wheeler to bahut aa gaye. Right. So the point is electric bahut aa gaya hai. Right. No, I think kya hai ki Chinese have good idea to go global. Indian companies are not thinking that way. So that limits their opportunity. So what actually long term is not good, because if you're only limited to Indian market, you don't know what's going on in the rest of the world. Somebody's got a better idea, they'll crush you one day competitively. You have to think global. You have to think everybody's your competition. You can't just be sitting in a little pond and think you're okay. You have to think global. Every company, even a littlest one, has to think global. कुछ sector तो ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग भी सोचते हैं कभी जब बात करते हैं, कि खासतौर जैसे पिछले 15-20 साल की अगर जर्नी में देखूं वर्ल्ड वाइड, तो मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो कितना ग्रो किया है उसने। एब्सोल्युटली, और इंडिया में एक भी होममेड मोबाइल होममेड मोबाइल कंपनी,
I think it's a part of it is, you know, I think it, government also played a poor role in 2012. I think there were three or four Indian companies who were actually, brand was growing. And Chinese came and crushed it, Chinese companies. Then came Samsung, they crushed it. So Indian companies said, you know what, let's just forget about it. So they didn't have... Yeah, हमारे बस का नहीं है. हमारे बस का नहीं है. क्योंकि the capital was so big. See, initially in any business, you need to provide some protection for them to come out of the initial survival phase. ना कुछ कुछ ब्रांड आए यहाँ पे जैसे कि लावा कई ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में बनाने की उन्होंने कोशिश की माइक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स बड़ी एक समय बड़ा अच्छा खासा मार्केट माइक्रोमैक्स ने बना लिया था लेकिन जैसे ही ये चाइनीज कंपनी आई शाओमी वगैरह वो सब बंद हो गया. एक्चुअली दिस द मेन रीजन इज गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट टुवर्ड्स Indian companies as much as it should be, I think, in my opinion. But also in some ways, some of the Indian companies have taken through bad an advantage where they harm the customer by jacking up the prices because they were shielded from competition. So, you know, you have to have a balance. But I think, you know, at the end of the day, reality is you have to look for opportunities that are constantly coming up. Like in AI right now, there are hardly any companies. I mean, there are a couple of US companies. There's huge opportunities. Everything is open right now. You can start a global company. You have a good idea, you can just take it off. You know, like, for example, hotel reservation. You can create an engine that can just optimize hotel reservation and boom, you'll take off all over the world. So nobody's stopping you. Things are always happening. अभी इंटरव्यू से पहले हम जब आपसे बात कर रहे थे तो मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रहा था कि इतना सारा जब इकोनॉमी तो ओपन अप हमारी 91 से हो गई थी वो महान मनमोहन सिंह जी का जो कहते हैं कि वो बजट पेश किया था उन्होंने उस समय से शुरू हो गया था लेकिन इतना सब होने के बाद भी इंडिया में कोई फेसबुक नहीं बनी कोई ट्विटर नहीं बना कोई अमेजोन नहीं बना सका ये क्यों नहीं हुआ यहाँ का एप्पल नहीं आई कोई यहाँ पे कोई ऐसा क्यों नहीं आया क्या मतलब सारा टैलेंट यहाँ से अमेरिका ही भाग गया है यहाँ से आई थिंक व्हेन यू लुक एट इट्स अ फेयर क्रिटिसिज्म बट आई विल टेल यू व्हेन यू गो टू जर्मनी देयर इज नो फेसबुक देयर When you go to England, China में भी जो है ये WhatsApp वगैरह नहीं चलता. China में they banned it. Ban किया हुआ है. So Facebook, Twitter सब ban है. They're not allowed. So they have to grow and grow. If you go to Europe, if you go to any other Southeast Asia, there are no companies homegrown. American technology companies rule the world, all over the world. Now, can you create a parallel system? I mean, Chinese, you know, there have been some software companies that have come out from Europe and China. That have kind of mildly succeeded. But America is just far too superior in terms of talent and in terms of organization. Also, I think, you know, what America has is the Silicon Valley has got like this nebulous infrastructure. Ideas are being exchanged in a local coffee bar. Things are happening. So what you will find out here 2 years from now, somebody's already figured it out and somebody's already taken the company global before you can even think. Because you're not in the system. You're not talking to anybody who's creating that very innovative ideas. So they're all happening in Northern California, basically. So that's why, you know, India is far behind. But I think, look at the end of the day. It doesn't matter whether you own all technology companies in one home or another. This is a vast system in the world. Global economy is huge and massive. Opportunities are all over the place. There's no limit to opportunities. I mean, look at aviation right now. People don't realize we make all of the wings of many airplanes in India right now. Making many engine parts. बताते हैं कि यहाँ तो 1000 airplane का order दिया हुआ है यहाँ की companies ने. Actually more like 1500 planes. You know, 3 Air India and 2 other companies. I think 1500 planes are on the order. In fact, the problem is now they're so backed up in delivery. India plane deliveries are getting delayed, but that's a separate topic. There's a global. It's a very big economy in the world. There's opportunities everywhere. You know, one should not think just because there's a Facebook that they can be nothing else. नहीं मैं फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा कि जैसे ये एक यूनिक आइडिया है राइट मेरे एक मित्र हैं वहां पे सैन रोजा में रहते हैं मैंने आपको बताया भी था अमेरिका में ही रहते हैं डॉक्टर हैं मेरी उनसे अक्सर बात होती है तो उनसे मैं जब भी बात करता हूँ तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख में अमेरिका में भी ऐसा ही हो गया है कि अगर आप कोई बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स कोई नया आइडिया नहीं लेकर आएंगे तो फिर आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी नहीं तो आपके पास आइडिया बिल्कुल यूनिक होना चाहिए राइट तब आपकी कंपनी जो है आगे बढ़ेगी या right. फिर आपको उसका मार्केट मिलेगा यू हैव टू बी इन द फ्रंटियर हां यू हैव टू बी इन द इनोवेशन एज हां इनोवेशन के बारे में तो अब आप मुझे ये बताइए कि इंडिया को अभी क्या करना चाहिए जैसे अभी आपने कहा कि एयरलाइंस का जो सेक्टर है अभी जैसे इंडिया में इतने बड़े लेवल पे रेलवे रेलवेज को इतना बढ़ा रही है सरकार ऐसी पॉलिसीज लेके आई है
नई तरह की ट्रेनें चलाई जा रही हैं, फास्ट ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उनके कोचेज बनाए जा रहे हैं। अभी जैसे वंदे भारत ट्रेन बनाई जा रही है, ये वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेन है जो बनाई जा रही है, इसका सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया जा रहा है, इसके कोचेज पूरे रैक के रैक इंडिया में बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे क्या, ऐसे कौन से और सेक्टर हैं जिनमें सरकार को फोकस करना चाहिए और उससे जॉब क्रिएशन भी होगा? आई थिंक द बिगेस्ट सेक्टर जो करना चाहिए इंडिया में इज दी अर्बन प्लानिंग। आई फील दैट इंडिया में जो अर्बन प्लानिंग है इज़ वेरी पुअर, आई हेट टू से दैट वर्ड। वी रियली हैव डिसफंक्शनल सिटीज बिग टाइम एवरीवेयर, एंड रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन एवरी कंट्री। You look at China, 20% of the people are employed in real estate. Look at America, 20% of the people are employed in real estate. India mein real estate banana is like a disaster. Real estate mein employed hai matlab kya? But construction. Jo construction wala mazdoor hai, wo bhi real estate mein employed hai. Right. Professionals, architects, engineers, transport. Badhai, mistri, sab, sab samjhe. So reality is real estate is a massive sector. And India mein red tape and land use and there's so many issues that have really not been sorted. Urban planning is very bad. So I think we need to, just like we import technology and like nuclear reactors ki kuch kar rahe hain, ye aircraft ki technology aa rahi hai, ki urban planning ki technology leke aao. How do you run and create beautiful, wonderful, functional cities? You will create so much. Isme ek aisa bhi idea aata hai ki kai baar kaha jata hai ki jo purane shahar hain usme kuch nahi kiya ja sakta, unki स्ट्रक्चर इस तरह की हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो नई सिटीज बनाई जा रही हैं या शहरों के बाहर जो नई कॉलोनियां या नई आबादियां बनाई जा रही हैं, कम से कम वहां तो उस क्लास उस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। टुडेज सिटी इज नॉट जस्ट सिंपली ब्रिक एंड मॉर्टर, दे आर कम्युनिकेशन हब्स, ट्रांसपोर्टेशन हब्स, दे एनर्जी एफिशिएंसी इज वेरी बिग डील। आज बिल्डिंग्स की एनर्जी देख लो, एयर कंडीशनिंग की जो रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग्स में इज ह्यूज। सो अनलेस यू डिजाइन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, वाटर एफिशिएंट बिल्डिंग, you don't have enough energy and water in the world to have the entire population live a good good quality of life. Bilkul. So urban planning is an essential element of growth and I don't see anybody doing anything about it. Cities are really poorly planned and poorly maintained. Infrastructure is in miserable shape. Now I understand good roads are being made from Bombay, Delhi and all. That's all good. There's nothing wrong with that. You should do more of it. But within the city, life quality has to improve. And if you don't improve it, you don't create employment opportunities. Because tourism is a big one. You don't have the infrastructure to have the tourists right now. Somebody says we want more tourists, but not enough hotels. जबकि tourism की opportunity तो India से ज़्यादा कहीं है ही नहीं। 80% 90% hotel occupancy, hotel मिलते नहीं हैं अच्छे यहाँ पर। Rail की ticket कभी मिलती नहीं है किसी को भी। Every time there's a shortage. You go to airplane, maybe you'll get it, but even then, you know. ये तो एक बड़ा सा वो इंडिकेशन है कि इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। हर समय होटल के रूम्स फुल हैं, फुल ऑक्यूपेंसी है, ट्रेन में वेटिंग चल रही है, एयरप्लेन में वेटिंग चल रही है। Not a good thing, right? So point is, you know, you create the urban infrastructure, that is quality urban infrastructure. The amount of tourists, everybody I talk to around the world, I know many, many people, you know, Europe, Japan, US, everybody wants to come to India. But the infrastructure scares them a little bit. Ki they go there, things will not work, they won't find. So that's a big, and you know, you can get a huge amount of influx of people. Kahi hum ghumne gaye to baad mein phas jayenge. Kahi ghumne gaye to traffic mein phas jayenge. Every time somebody comes as a tourist in a good, well-planned city, they're going to use the airport, they're going to buy something, they're going to travel by a cab, they're going to stay in a hotel, they're going to eat in a restaurant, they're going to do shop, all labor-intensive businesses. Mm-hmm. So you don't need any high-tech manufacturing. You just need good urban planning, good infrastructure. Boom, you have millions of employment. This is the easiest one, but I don't think anybody is picking up on it. Tourism mein bahut zyada. And without the urban planning, you cannot do tourism. Promotions any. You cannot do promotion and people will just show up. You have to have really good functioning urban cities, proper infrastructure, well laid out, lots of hotel rooms available at all times. यहाँ पर होटल का, यू नो, आई नो समबडी हु रन्स होटल, कहते हैं इट टेक्स 5 इयर्स टू गेट अ लैंड लाइसेंस टू बिल्ड अ होटल। हाउ यू कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल? होटल, एवरी होटल इज एम्प्लॉइंग 50-100 पीपल। आई मीन, यू नो, दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। देयर आर ऑल ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। क्या वजह है इसकी? क्या क्यों होता है? आई थिंक, यू नो, होल इंडियन सिस्टम इज डिजाइंड टू बेसिकली स्टॉप बिजनेस फ्रॉम क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। So red tape is everywhere. Now they removed a lot of the red tape in industry and a lot of the other places. But in real estate, red tape is huge. And not just red tape, I think corruption is just endemic. Quality is horrible.
design architecture is not superior, they're not thinking efficiency, they're not thinking modern design. I mean, I'm sure some are, I'm not saying everybody, but in general, the level of awareness of what needs to be done to create a modern 21st century country is not there right now. They lack it. Look at what's happening in all over the world. And I'm not like trying to praise China, because I'm not a big fan of the what the government is over there. But reality is, you know, they have created beautiful cities in a lot of ways. Yeah, I understand a lot of problems there. Look, China mein tourism kaisa hai? China tourism is really dying, because I think after COVID, the lockdown really... China se to log darte hai naam se. Now people are really scared to go because of a lot of reasons. So China tourism is really collapsed. In fact, Chinese airlines are doing really poorly right now. Achcha. Their demand is down dramatically. The airports are not utilized properly. So tourism is a big deal. It was a big deal in China. I don't know why it is right now. I mean, a lot of people tell me people are not interested to go in China. It's not that much of a craze anymore. A lot of issues are there. But look, they have good cities. They've made very good cities in the last 20 years. Why can't it be done here? आपने इतने सारे देश घूमे हैं, यूरोप में घूमे हैं आप, और अफ्रीकन कंट्री में गए हैं कभी? साउथ अफ्रीका. अच्छा. जोहान्सबर्ग. अच्छा अच्छा. तो आप इतना सब जगह घूमे हैं, तो आपको ये जो सब बात आप बता रहे हो मुझे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एक कोई कंप्लीट पैकेज ऐसा बताइए कि उस कंट्री में हर चीज परफेक्ट लगी आप. कोई है परफेक्ट कंट्री? आई थिंक इफ यू लुक एट अ परफेक्ट कंट्री, देयर इज रियली नो परफेक्ट कंट्री. दे ऑल हैव गुड थिंग्स समवेयर. ओके, जापान इज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्लैनेट बाय फार. सेम इज स्विट्जरलैंड, राइट? बट दे आर स्मॉल इन टर्म्स ऑफ द स्केल ऑफ द कंट्री, राइट? इफ यू लुक एट द इनोवेशन, नोबडी कैन बीट अमेरिका. By far, like you look at all the innovation in the last 100 years, all coming out of America. Like the by far, they're the one of the best in that sense. Not like there's nothing coming out of elsewhere, but a lot of the innovation comes from the US. Cell phone came out of US, TV came out of US, radio came from US originally, washing machine, you name anything. Automobile, I mean, yeah, it was made in Europe first, but the mass manufacturing came with Ford Motor Company in 1907. First in US. नहीं, ऑटोमोबाइल में तो अमेरिका के दावे को नहीं मान सकते कि बढ़िया है. No, no, the mass वो तो वहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनी तो खासतौर से कार वार तो कोई बढ़िया चलती नहीं है अमेरिका की. जनरल मोटर्स को ओबामा ने बड़ा पैसा दिलवाया, लेकिन चली नहीं है. इंडिया में तो दुकान ही बंद हो गई. आई थिंक ऑल अमेरिकन थ्री, सारे जापानीज चल रहे हैं नंबर वन पे. ऑल थ्री अमेरिकन कंपनीज आर यूजलेस इन माय ओपिनियन. दे डोंट नो हाउ टू मेक गुड कार्स. बट पॉइंट आई एम सेइंग इज इनोवेशन इन अमेरिका इज द पावर, वन ऑफ द मोस्ट, नो डाउट, द बाय फार द बेस्ट. Europe, I think the Europe has become like sometime I used to refer to open air museum. It's like a massive tourist place. Business is everywhere shrinking, tourism is growing. In fact, there was an article. मतलब यूरोप के जो टूरिज्म के बढ़ने की वजह, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसका भी बहुत बड़ा रोल है. No. कि किसी हर एक ट्रेन लीजिए और चार पांच कंट्री घुमाइए. That's one. But I think if you look at Europe versus any other world country, the cities are so wonderfully planned, so beautiful. The landscapes over there naturally so great that people just want to go. Climate bhi badhiya. Climate is very nice. Temperature is very good, except for maybe 3-4 months a year. Cities are absolutely stunning. The museums, historical significance, maintain well. They work well. They're very generally safe. I mean, not some places are no longer safe now. So Europe has been a great place to visit anyway. Now the rest of the world has got wealth, which they did not have before. 20 years ago, nobody had anything but Europe and North America. But China, India, Middle East, they all have money now. And go to Europe. And now Europe is overrun. I mean, some cities, you literally have no place for anybody. Over tourist. Like overrun by tourists, almost. कोई भी discussion जो होता है, कोई भी चर्चा होती है, वो राजनीति के बिना पूरी नहीं होती. आज जिस समय आप हमारे यहाँ आए हैं, तो अभी 2 महीने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होना है. क्या लग रहा है इस बार? आई थिंक इट्स अ वेरी कंटेस्टेड इलेक्शन, लाइक ऑल इलेक्शन होते हैं, कंटेस्टेड तो होएगा होएगा. आई थिंक दिस टाइम देयर इज अ, अभी क्या माहौल है अमेरिका में? या आई थिंक देयर इज अ बिग बिगेस्ट एक्चुअली द फैक्टर इज दिस इलीगल इमिग्रेशन इज रियली कॉस्ट अ लॉट ऑफ वोट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक पार्टी. द इलीगल इमिग्रेशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक for most people. Why ये illegal immigration होता क्या है? मतलब ये हमारे दर्शकों को आप आराम से समझाइए. So क्या है कि border को जिससे लोग समझें.
बॉर्डर क्रॉस कर, ये ऐसे ही होता है कि जैसे यहाँ इंडिया में कह देते हैं कि वो बांग्लादेश से रोहिंग्या और वो घुस गए हैं, क्या इस तरह का इमिग्रेशन है? इमिग्रेशन है, मैक्सिकन बॉर्डर इज वो जहाँ डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि मैं दीवार बनवा दूंगा पूरी। सो मैक्सिकन बॉर्डर हैज बीन ओपन फॉर लाइक 50 years, बट क्या है कि यू नो देयर वाज लॉट ऑफ लॉज दैट बेसिकली मेड इमिग्रेशन वेरी डिफिकल्ट, कि आओ तो मिलेगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी ने क्या किया है कि एवरीथिंग इज बिकम इजी, यू कम यू गेट फूड स्टैम्प यू गेट फॉर्म यू गेट दिस। कैलिफोर्निया में मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो अभी बाइडेन है वो डेमोक्रेट पार्टी से ही हैं, और कमला हैरिस उनकी पार्टी की जो है वो कैंडिडेट हैं, और इधर रिपब्लिकन्स जो हैं उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। सो कैलिफोर्निया में अब जीरो डाउन पेमेंट, जीरो पेमेंट का हाउस इलीगल इमिग्रेंट, सो बेसिकली दे मेड इट वेरी इजी फॉर इलीगल इमिग्रेंट टू सेटल, एंड दैट हैज बिकम ए वेरी पिछले 50 साल में नो अभी 2 साल में 4 साल। अच्छा, बिकम ए वेरी कंटेंशियस टॉपिक, एंड आई थिंक दैट इज फ्लिपिंग द इलेक्शन इन फेवर ऑफ ट्रंप बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल टॉपिक। सेकेंड बिगेस्ट इशू इज इन्फ्लेशन। अनलाइक इन इंडिया वेर पीपल आर यूज टू 4-5% इन्फ्लेशन ए ईयर फॉर 100 years, वहाँ इन्फ्लेशन बहुत कम है, 1-2%। आई मीन बिलीव मी इन 10 years द प्राइस ऑफ, मैं तो अभी उस पर यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट इतना महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, लास्ट 4 years एवरीथिंग इज डबल्ड। सो पीपल आर यूज टू इन्फ्लेशन लाइक इन 10 years वेरी लिटिल चेंज इन प्राइस, ऑल ऑफ अ सडन यू डबल इन 4 years, पीपल आर वेरी अपसेट, देयर इनकम्स आर लिमिटेड, देयर थिंग्स आर गेटिंग वेरी हार्ड। सो इन्फ्लेशन इज सेकंड बिग टॉपिक विच इज गोइंग अगेंस्ट द डेमोक्रेट्स राइट नाउ। सो आई थिंक अनलेस समथिंग रियली बिग हैपन्स, इट्स लाइकली दैट ट्रंप इज द वन टू कम लूज द इलेक्शन इफ ही इज गोना लूज, बट राइट नाउ इट्स ऑल लुकिंग इन हिज फेवर। लुक दिस इज 2 months, इज पॉलिटिक्स, यू नो थिंग्स कैन चेंज। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पे जो अभी अटैक हुआ है उसके बाद से तो एक सिंपैथी भी होनी चाहिए, नहीं लोगों में सिंपैथी तो है, या इंडिया की तरह अमेरिकन सिंपैथी नहीं रखते किसी? आई थिंक सिंपैथी वाज देयर फॉर अ वीक, या तो इंदिरा गांधी को मार दिया तो राजीव गांधी को 450 सीट दे दी लोगों ने। वेल आई थिंक देयर वाज इलेक्शन सून आफ्टर, सो दैट हेल्प्ड, बट आई थिंक मेरे हिसाब से इट एक्चुअली ऑलवेज द पॉकेट बुक इश्यूज ऑलवेज डू द इलेक्शन इन एनी कंट्री। सो वेन एवर यू हैव अ पॉकेट बुक प्रॉब्लम यू ब्लेम द पार्टी हु इज इन पावर एंड यू पुश हिम ऑफ। Typically, that's always the same problem. Same exact thing is happening in America. So illegal immigration is causing pocketbook problem. Taxes are badh rahe hain, prices badh rahe hain. Those two things are, you know, big issues, and you can't overcome them by just doing some election campaign. You know, eggs ka price to eggs ka price hai, gas ka price to gas ka price hai. Wo to tum dekh hi rahe ho na roz. So you can't change those facts. So that's is a big deal. And actually, most elections are like that. Yahan bhi abhi Congress party jab gayi thi 14 mein. Biggest issue with inflation. Inflation or corruption? Corruption or inflation killed it. So that's really what happened. It's not like, you know, people said, oh, we hate Manmohan Singh or whatever. Aisa kuch nahi tha. Policy theek nahi hai. Nikalo. Ye democracy ka to kaam hi yahi hai. To abhi matlab keh nahi sakte ke kis taraf palda jhukega. I think right now it's Trump. Yeah, neck to neck hai. Neck to neck hai, lekin Trump is favored. Edge hai. Still thoda sa edge hai, right. Now remember, it's 2 more months to go. नहीं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप को अभी एज है ये किस वजह से है? बाइडेन सामने नहीं है इस वजह से है, कमला हैरिस सामने से है इस वजह से है, या फिर जो अभी अटैक हुआ है उस वजह से है, किस वजह से? इसका क्या? I think Democratic candidates are not looking very strong, although they are projecting themselves to be strong, but clearly the candidates are not very strong, and the issues are the biggest problem. Inflation and immigration is a huge issue, and you can't overcome even if you put anybody. That's a fact. You know, कोई जो price चीज का बढ़ immigration की problem तो पूरे Europe में भी है, सारे countries इससे बहुत and I think people are people मुझे लगता है worldwide ये बहुत बड़ी problem worldwide is a huge issue. Immigration, like what's the point of a country? If you're gonna allow anybody to come in, India में भी यही है, घुसपैठिया फलाना रोहिंग्या दुनिया भर के, उधर कहीं म्यांमार से आ गए, कहीं पाकिस्तान से, सब ये भी प्रॉब्लम यहाँ भी है। वही है ना, कोई अगर धर्मशाला बनाना है तो ठीक है, फिर कर लो। अच्छा, आप 30 साल से वहाँ पे हैं अमेरिका में, भी ये बताइए कि जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, बार बार जाते हैं बाहर, कहते हैं कि अब हम बड़ी इकोनॉमी हैं, तो क्या इंडियंस की, यहाँ के पॉलिटिशियंस या हमारे लीडर्स की, क्या वास्तव में अब वो बात है पहले के मुकाबले, अब ज़्यादा शान शौकत और इज्जत बढ़ी है? डेफिनेटली, यू नो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इंडिया, आप सोचो 2014 में ग्लोबली 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज
ऑलमोस्ट थर्ड हो गई है विद इन ए रीच थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. बट आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ की साइट्स जो पॉलिटिशियंस की साइट है चाहे मोदी जी की भी साइट है बहुत छोटी साइट है. आई थिंक देर स्टक ऑन 5 trillion. ये इकॉनमी होनी चाहिए 30 trillion की. यू कैन नॉट थिंक स्मॉल. स्मॉल थिंक मीन्स यू ऑलवेज हैव इंक्रीमेंटल छोटा छोटा चेंज करेंगे. नहीं उन्होंने तो मुझे लगता है कि जो अचीव कर सकते हैं उस वो सामने रख लिया कि उसके नजदीक तो पहुंच ही जाएंगे. आई हियर यू आई अंडरस्टैंड बट आई डोंट सी एनीबॉडी टॉक. हो सकता है दिमाग में 30 की सोची हो सकता है. नो आई एम नॉट इवन सेइंग 30 इज द राइट नंबर. आई डोंट नो व्हाट द राइट नंबर इज बट आई थिंक व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि यू नो मेरे हिसाब से जो ग्रोथ की प्लानिंग होनी चाहिए कि एट आज जो हमारा रिक्शा चलाने वाला है आदमी है राइट उनकी फैमिली विद इन 20 years इफ दे कैन लिव ए मिडिल क्लास क्वालिटी लाइफ हमारे आपके जैसी तब तो मैं लगूंगा ग्रोथ हो गई है. अगर ये लोग 20 साल के बाद भी रिक्शा चला रहे हैं तो क्या ग्रोथ का फायदा. यू नो सो दैट माय पॉइंट इज इफ एवरीबडी इन इंडिया हैज टू हैव एयर कंडीशनिंग आपकी पावर जनरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए 4x 20 साल के अंदर. मुझे तो लग नहीं रहा कि 4x करने वाला कोई यहाँ पर. सिमिलरली आप देखो एवरी सेक्टर सेम इश्यूज वाटर लैंड यूज अर्बन प्लानिंग. You're not thinking ki large sector of population will start to live a middle class life. This is the main issue of planning right now. And I think thought process is not there to become a very advanced developed economy. They're talking about it, but the basic planning is not there in any way. Not like, maybe they don't see it and they do it. I have no idea. But mujhe lag nahi raha ki hai kuch, you know. Abhi yahan par hamare paas, you know, we're in India, they're planning like 8,000 megawatt of nuclear power generation next 5 years. China is planning 160,000 megawatt, right? So look at the difference, 20 times of our capacity is what they're planning. Every year they're planning 25,000 megawatts. What we're planning in 6 years, they're planning in 4 months. So I'm not praising China. Look, China is doing what they need to do. We should start thinking like we have a largest population. Everybody needs energy. Energy is the growth. Without energy, how are you going to grow? Where is a plan to grow energy? Where is a plan for water conservation? Monsoon comes, is excess water, floods everywhere. 4 months later, there's no shortage of water. Sukha. You can't like run a country with that kind of a planning and thinking. You know, you're going to make people poor for a long time. You have to have big thinking. Everybody's going to be comfortable. Everybody has to be middle class. And for that, what do you need? And if you plan that way, then you will think differently. If you plan 7% growth a year, that's great. There's nothing wrong with it, but it's not enough. It's not going to lift people out of poverty. And that's a sad thing. You know, people should not be poor. Nobody should be poor. आपके कहने का मतलब ये है कि planning बढ़िया हो रही है और वो प्रत्यक्ष रूप से अभी उसे implement करने में समय लग रहा है. वो समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी होना चाहिए. आपके कहने का मतलब जो 40 साल का काम है 15 में करो. जी 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 तेजी से होना चाहिए. तेजी से होना चाहिए. पीपल हु आर लिविंग टुडे हैव टू हैव फ्यूचर. तेजी से होना चाहिए. रेड टेप कम होना चाहिए. आपका कहने का मतलब है अर्बन प्लानिंग बढ़िया होनी चाहिए और जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन और ये सब चीजें होनी चाहिए. एजुकेशन इज अनदर सेक्टर. यू नो पीपल इफ यू डोंट गेट एजुकेशन यू विल नेवर बिकम ए गुड प्रोडक्टिव सिटीजन. एजुकेशन इज अ सिंगल बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन एनीबॉडीज लाइफ. चाहे कोई भी हो, यू गेट एजुकेशन ऑल ऑफ अ सडन योर होल लाइफस्टाइल कैन चेंज. दैट इज अ मोर देन एनीथिंग एल्स यू कैन डू इज एजुकेशन. एंड एजुकेशन इन इंडिया इज रियली जस्ट प्रॉब्लम बिकॉज मिडिल क्लास इज गेटिंग एजुकेशन बाय पेइंग प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ऑल दैट. बट द पुअर पर्सन डजंट हैव द रिसोर्सेज सो दे आर स्टक इन द रट की दे डोंट हैव द एजुकेशन टू ब्रेक थ्रू आउट ऑफ द पॉवर्टी. एंड यू कैन नॉट सब्सिडाइज पॉवर्टी फॉर एवर. यू कैन जस्ट से फ्री फूड, फ्री दिस, फ्री दैट. यू स्टिल बी पुअर. Poverty can only be removed by creating productive economy. चलिए बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई और ये तो इतना बड़ा विषय है कि इस पे हम 10, 20, 40, 50 मिनट के हम कई घंटे भी बात कर सकते हैं. बहुत कुछ करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे लोग जो बाहर रह रहे हैं वो भी सजेशंस दें, सरकार को बताएं. हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से भी आपकी बात को पहुँचाया जाए और लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम इस तरह के वीडियो आगे और भी बना सकें. थैंक यू मिस्टर डेंट. थैंक यू हर्षी वेरी मच. अप्रिशिएट यू हैविंग मी हियर. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें.